गार्डन में आपको सारा स्पाइसेस और हर्बल प्लांट सब देखने के लिए मिलेगा। गार्डन देखने के बाद आपको कुछ भी चीज़ परचेज करना हो तो शॉप में से परचेज कर सकता है, सब ऑर्गेनिक आइटम मिल जाएगा। इसमें कुछ केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं होता है, और फोटो वगैरह लेने तो ले सकता है। एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है, प्लांट का नाम शदावरी बोलता है, सुना है क्या? हस्परास नहीं सुना? शदावरी मेनली लेडीज़ का कुछ गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम का मेडिसिन बनाता है, जैसे रेगुलर पीरियड आ रहा है, पीरियड के टाइम पेन होता है, यूरिन इन्फेक्शन आ रहा है, बार बार वाई डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आता है, और PCOD प्रॉब्लम, हॉर्मोनल इम्बैलेंस, थायरॉयड प्रॉब्लम और सिस्ट, सबके लिए मेडिसिन बनाता है। इसे चवनप्राश या सिरप जैसे टैबलेट जैसे मेडिसिन मिल जाएगा। ये हम 3 महीने यूज़ करेगा तो कुछ भी गायनी प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए अच्छा होगा। और थायरॉयड वगैरह हो गया, थायरॉयड हमारे बॉडी में होते ज़िंदगी पूरा वैसे मेडिसिन लेना पड़ता है, बिना दवाई से हमेशा कंट्रोल रखने के लिए सिरप जैसे मेडिसिन मिल जाएगा। 3 मंथ्स यूज़ करना, वो हमेशा क्लियर करने के लिए अच्छा होगा। और PCOD का प्रॉब्लम जैसे सिस्ट जैसे होता है, वो सब सर्जरी करने का जरूरत नहीं, वैसे भी क्लियर करने के लिए अच्छा होगा। साथ में हॉर्मोनल इम्बैलेंस वो भी क्लियर करता है। और पीरियड प्रॉब्लम ऐसे जैसे ज़्यादा बॉडी हीट रहता है, यूरिन इन्फेक्शन बार बार आ रहे, उन लोगों के लिए शदावरी का चवनप्राश जैसे मिल जाएगा। वो 1 महीना यूज़ करेगा तो बॉडी कूलिंग के लिए भी अच्छा है, और कुछ भी यूरिन इन्फेक्शन गायनी प्रॉब्लम कुछ भी रहता तो क्लियर करने के लिए अच्छा होगा। और ये लाल लोटस बोलता है, अंदर लगा हुआ जैसे पिंक कलर का फ्लावर है। महामंजिष्ठा सुना है क्या? मंजिष्ठा दी कस्तूरी हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, सैफ्रॉन का एक्सट्रैक्ट है, चंदन का एक्सट्रैक्ट है, सब डाल के हम फेस मसाज करने के लिए ऑयल बनाते हैं, पिंगला ऑयल। इसमें फेस का डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, स्पॉट है, सब क्लियर करके कलर एंड ग्लो बढ़ाने के लिए अच्छा है। फिर आपका आइस आइस का नीचे ब्लैक कलर रहता है ना, वो सब क्लियर करेगा। बॉडी में स्ट्रेच मार्क होता है, वो क्लियर करने के लिए अच्छा होता है। और अंडर्म्स वगैरह में ब्लैक कलर है, सब क्लियर करके कलर एंड ग्लो बढ़ाने के लिए अच्छा है। अपना स्किन लूज हो गया, वो भी टाइट बना के आगे एजिंग के लिए अच्छा होगा। लेडीज का जेंट्स सबको भी वैसे लगा सकता है। कुकम जानता है ना, वैसे कट्टा के लिए हम दाल करी वगैरह में डालते हैं ना, जैसे काला कलर का होता है ये वाले, पर इसका अंदर से एसेंस वगैरह निकाल के अर्जुन चाल सुना है क्या? अर्जुन जाल का चाल है, और इलायची का एसेंस सब डाल के हम कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने के लिए मेडिसिन बना रहे हैं। अपने बॉडी में HDL LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो हम दवाई वगैरह स्टार्टिंग करता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रहता है। बिना दवाई से हमेशा कंट्रोल रखने के लिए सिरप जैसे मेडिसिन बनाता है, वो 3 मंथ्स हम यूज़ करेगा तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अच्छा होगा। HDL LDL कोलेस्ट्रॉल जो भी रहता है सब क्लियर करता है, और हार्ट का पंपिंग ईजी करने के लिए अच्छा है। जो भी ब्लॉकेजेस रहता है वो सब क्लियर करने के लिए भी वैसे अच्छा होता है। अरे ऑल स्पाइस का प्लांट बोलता है, वैसे एक पत्ता हमें 6 मसाला फ्लेवर है, इलायची, लौंग, काली मिर्च, पेपर और जायफल, जिंजर सब मिला के टेस्ट रहता है। ये हम गरम मसाले के लिए डाल दें, ज़्यादा गरम मसाला हम डाल दें ना उसी जगह पे थोड़ा सा पाउडर डाल दें, और कुछ मसाला डालने का ज़रूरत नहीं, और खाने एकदम टेस्ट भी बनने के लिए अच्छा होता है। जाड का नाम है सर्व सुगंधी और ऑल इन वन स्पाइसेस, ऐसे नेचुरल गरम मसाला ट्री होते हैं। टेस्ट करके भी देखो सारा मसाला का फ्लेवर मिल जाएगा वैसे। এই গাছের পাতা বলছেন যে পাতা দিলে সমস্ত গরম মশলার যে ফ্লেভার এগুলো সব চলে আসবে। আর এই বাইল্ড ব্রিঞ্জল বলতে হয় বেশি টুথ পাউডার বগৈরা বানানে কে লিয়ে ইউজ করে জঙ্গলি বেঙ্গন, और इसका अंदर से सीड को ड्राई करके पाउडर बना रहे। इसके साथ लौंग का पत्ता और ऐसे तुलसी का लीव्स सब डाल के दांत के लिए पाउडर बना रहे। दांत में ऐसे पीला कलर होता है और काला जैसे कलर रहता है, और मुंह से बाड्स में ला रहे, गम्स ब्लीडिंग है, पस, कीड़ा जो भी रहता है वो सब क्लियर करने के लिए अच्छा होगा। इसका पाउडर हम हाथ में डाल के फिंगर से ब्रश करना, दांत एकदम प्योर वाइट बनाने के लिए अच्छा होगा। और कुछ भी गम्स प्रॉब्लम, ब्लीडिंग है, कीड़ा, बाड्स में ले, सबके लिए भी अच्छा होता है। छोटा बच्चा लेके सबको ब्रश करने के लिए बहुत अच्छा है। और ये बी हाइव है, ये बॉक्स के अंदर मध का प्रोसेसिंग चलता है, इसमें बीज रहता है, ये बी बाहर आएगा सारे गार्डन में घूमता है, सारा स्पाइसेस और आयुर्वेद मेडिसिन का नट से कलेक्ट करके अंदर जाके हनी बना रहे, 3 मंथ्स में तैयार हो जाएगा। और प्योर मध कैसे चकाना मालूम है क्या? 1 ग्लास पानी में 1 ड्रॉप डाल के देखो, ओरिजिनल हनी पानी में नीचे बैठ जाएगा,
अगर कुछ केमिकल से बना वाला हनी हो गया तो पानी का अंदर डालने के टाइम पानी में मिक्स हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज़ हम ध्यान रखना, गर्म चीज़ में हनी डाल कर कभी यूज़ नहीं करना, गर्म करके भी नहीं लेना। वैसे लेता है तभी अपने बॉडी में पॉइजन बन जाएगा, क्योंकि हनी वैसे हाई एंटी ऑक्सीडेंट है, वो गर्म करने के टाइम पॉइजन होता है। बार बार मैं इसे बना के पिया, अपने बॉडी में पॉइजन बना के स्किन एलर्जी सोरियासिस और आने का चांसेस रहता है। इसलिए कभी हनी हम ले रहे नॉर्मल लेना, नहीं तो जैसे डायरेक्ट लेना वो वैसे हेल्थ के लिए अच्छा, गुनगुना में डाल के ले सकता है, ज़्यादा गर्म में कभी यूज़ नहीं करने का। और ये जायफल का जड़, जायफल और जावत्री मालूम है ना, नटमेग और नटमेग, ये दोनों एक फल का अंदर से मिलता है, ऊपर देखो छोटा छोटा थोड़े से फ्रूट लगा हुआ है। ये फ्रूट वैसे पकने के बाद कवर फट जाएगा और अंदर सीड होता है, सीड वैसे जायफल है, सीड के ऊपर रेड कलर फ्लावर चिपके रहता है, वो नटमेग है। ये दोनों वन फ्रूट का अंदर से मिलेगा। और जायफल हम गर्म मसाला में यूज कर रहे हैं, फिर हमें अब्दोमिनल पेन या वॉमिटिंग या लूज मोशन कुछ भी होता है, हनी में रगड़ कर लेना एकदम सही करता है, इसलिए गुड मेडिसिन भी होती है जायफल। जावत्री बिरयानी जो भी बनाता है उसमें डालता है, और इसका आउटर कवर माइंड को टेस्टी होता है, पिकल बनाने के लिए यूज़ करता है। और ये जंगली धनिया होता है, इसे सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, एसिडिटी, जैसे ब्लोटिंग प्रॉब्लम, हमेशा जैसे लैट्रिन जाना पड़ता है, ऐसे डाइजेशन बराबर नहीं होता है, और सब क्लियर करने के लिए सिरप जैसे मेडिसिन बनाता है। ये सुबह शाम को 10 ml एक महीने ले लेगा तो सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, एसिडिटी वगैरह सही करता है। और पुराने साल से ऐसे हो रहे हैं, वो लोग 3 महीने यूज़ करना, IBS हो गया, 3 महीने में IBS क्लियर करने के लिए अच्छा होगा, और इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि अच्छा रिजल्ट भी मिल जाता है। और ये स्टोन बनाना बोलता है, बर्कुलर बनाना, इसके जो फ्रूट के अंदर ऐसे सीड रहता है, काला कलर का सीड है, इसको जैसे सिरप जैसे हम मेडिसिन बना रहे। किडनी स्टोन मालूम है ना, जैसे किडनी का अंदर स्टोन हो गया तो सर्जरी करना पड़ता है, सर्जरी कर दिया तभी भी वो प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगा, बिना सर्जरी से किडनी स्टोन को मेल्ट करके निकालने के लिए सिरप जैसे मेडिसिन बनाता है। वो एक महीना हम ले लेगा तो जितना बड़ा भी स्टोन हो गया तो मेल्ट होकर यूरिन के साथ निकल जाएगा, और कुछ साइड इफेक्ट नहीं, जो बीमारी रूट से निकालने के लिए अच्छा होगा। लेकिन पुराना साल से बार बार प्रॉब्लम आता है, वो लोग 3 महीने यूज करना, वो हमेशा क्लियर करने के लिए अच्छा होगा, सर्जरी करने का जरूरत नहीं होता है। और ये रेड बनाना बोलता है, इससे जैसे हमारा अनिमिक ज़्यादा रहता है, और विटामिन 12 का प्रॉब्लम, आयरन का कमी रहता है, और एनर्जी कम है, जो बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है, उन लोगों को भूखी बढ़ाना, खाना अच्छा से खा के बॉडी थोड़ा बढ़ाना, बच्चों का हाइट इंक्रीजिंग करना, एनर्जी मिलना, सबके लिए हम सारा फ्रूट और डेट्स सब मिक्सिंग करके चवनप्राश बनाता है। वो सुबह शाम को 1 चम्मच दूध में मिला के ले लो, नहीं तो चपाती और बना के उसके ऊपर जाम जैसे लगा के खा लीजिए। 1 महीना यूज़ करेगा तो एनीमिक सही हो जाएगा, और विटामिन 12 प्रॉब्लम क्लियर करेगा, और आयरन डेफिशिएंसी वो क्लियर करने के लिए अच्छा होगा। 3 महीने बच्चों लोगों को हम दे दिए तो हाइट इंक्रीजिंग हो जाएगा, बॉडी थोड़ा हेल्दी बढ़ाने के लिए भी अच्छा होता है। ये छोटा बच्चा लेके सबको भी, कोई भी एज में भी ले सकता है, अपना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये वाला सरस्वती ब्रह्मी सुना है क्या? ब्रह्मी वैसे मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, आईसाइट, रिकॉलेशन और क्लियर वॉइस, गुस्सा को कम करना, माइंड शांति रखना, सबके लिए अच्छा होता है। ये अष्टिमध बोलता है, अष्टिमध शंखपुष्पी, नरनुंडी, कोकोआ पाउडर, खसखस, बादाम और ये सब मिक्सिंग करके ब्रह्मी चूर्ण पाउडर बनाते हैं, टैबलेट जैसे भी बनाता है। ये सुबह शाम को 3 मंथ्स हम ले लेगा तो अपने बॉडी में जैसे मेमोरी पावर बढ़ जाता है, छोटे बच्चे को पढ़ाई ईजी हो जाएगा, और क्लियर वॉइस मिलेगा, और ऐसे आई सेट बढ़ जाता है, और 3 महीने दे तो लाइफ टाइम रिजल्ट है। लाइफ में एक ही बार लेना, चश्मा पहना हुआ तो 3 महीने यूज करने के बाद चश्मा निकाल सकता है, इसमें टैबलेट जैसे आता है, आई सेट के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लांट का नाम ब्रह्मी बोलते हैं। और ये डेस्मोडियम प्लांट, ये वाला डेस्मोडियम और थियोकार्पस, आसना, मशपियम, ये सब डाल के हम वेट लॉस के लिए मेडिसिन बना रहे हैं, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा मोटा रहता है और अब्डोमिनल ज़्यादा निकला हुआ है, इन लोगों के लिए दवाई यूज़ कर सकता है। ये सुबह शाम को 1 चम्मच गर्म पानी के साथ काली पेड़ लेने, 1 महीना हम ले लिया तो 5 किलो जैसे चर्बी निकालने के लिए अच्छा होगा, हम एकदम पतला नहीं होगा, अपने बॉडी के अंदर एक्सेस पाते हैं, ज़्यादातर पेड़ का जैसे बटक साइड और थाई में जैसे ज़्यादा रहता है, ये सब मेल्ट होकर यूरिन मोशन पसीने में निकल जाएगा, कुछ साइड इफेक्ट नहीं, इसके साथ जो मर्जी डाइट ले सकता है, नो एक्सरसाइज, नो डाइट कंट्रोल, लेकिन रिजल्ट परमानेंट जैसे हो जाएगा।
अगर 10 किलो जैसे वेट कम करना चाहता है, 3 मंथ्स यूज करना, 3 महीने में 10 किलो जैसे वेट कम करने के लिए अच्छा होगा। ये लेने के बाद अपने बॉडी का बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाएगा, फिर दोबारा वेट नहीं बढ़ेगा, इसलिए लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट भी मिल जाएगा। प्लांट का नाम 10 मोडियम बोलते हैं। और एक चोग कटी लो, लॉन्ग यही लॉन्ग का जाल, इसमें अभी सीजन नहीं है, समर सीजन है। सीजन आएगा तभी लीफ का सेंटर में इसे बंच जैसा फ्लावर आता है, फ्लावर वैसे बस शेप रहता है, लाइट येलो कलर जैसे हो जाएगा। तोड़ के सनलाइट में डाल के ड्राई करने से काला जैसे ब्राउन कलर होता है। ओरिजिनल लॉन्ग का कलर ब्राउन कलर है, लेकिन बाहर हमें मिलता है ना जैसे काला जैसे कलर का मिलता है, क्योंकि ये कच्चे के अंदर से वो एक्सट्रैक्ट करेगा, वो जैसे काला जैसे स्प्रे करेगा काला जैसे हो जाएगा। ओरिजिनल क्लोव के कलर ब्राउन कलर है। फिर इसमें हम ऑयल कैसे चेक करना है, जो डेंडी जैसे पोस्ट में थोड़ा सा नाखून से पिंच करना, ऑयल बाहर आएगा तभी लेना बेटर बोलते। ये ऑयल तोड़ने के बाद बेस्ट रहता है, क्योंकि बिना तेल वाले हम 10 पीस डालने की जगह पे ऑयल वाला क्लोव हो गए तो 2 ही पीस डालते हैं, एकदम फ्लेवर आता है। और दांत का मेडिसिन बनाने के लिए वैसे लौंग का तेल यूज़ कर रहे हैं, कभी हम ले रहे तो ऐसे चेकिंग करके ऑयल वाला लवंग ले लो, बेटर रहता है। और दांत का पेन वगैरह आता है तभी 1 पीस ऐसे दबा के रख लो, पेन रिलीफ करने के लिए भी क्लोव वैसे अच्छा होता है। अरे भूमि आमला बोलता है, वैसे लीवर प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। फैटी लीवर वगैरह आता है ना, जैसे दारू वगैरह पीता है उन लोगों को जल्दी फैटी लीवर आता है, फैटी लीवर हो गया तो कन्वर्ट हो जाएगा लीवर सिरोसिस जैसे हो जाएगा। और सब क्लियर करने के लिए सिरप जैसे मेडिसिन बनाता है, 1 महीना हम ले ले तो लीवर प्रोटेक्शन के लिए अच्छा होगा। और बार बार जॉन्डिस वगैरह आता है वो सब सही करेगा। अगर फैटी लीवर हो गया वो लोग 3 महीने यूज़ करना, फैटी लीवर को सही करने के लिए अच्छा होता है। और ये वाला नीले अमरी प्लांट है, नीले अमरी अपना हेयर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल सबका हेयर है जैसे एज होने से पहले पूरा सफ़ेद हो रहे, सफ़ेद हेयर हो जाएगा तभी हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा डाई लगा रहे, डाई में ज़्यादा अमोनिया है, पूरा हेयर वैसे सफ़ेद हो जाएगा। बिना हेयर डे से हेयर काला करना, हेयर को डेंसिटी बढ़ाना, हेयर ग्रोथ बढ़ाना, थिकनेस बढ़ाना, लेडीज़ को लंबा हेयर जैसे बनाने के लिए हम ऑयल बनाते हैं नील भृंगादी ऑयल, या एलोवेरा, हाइबिस्किस, एब्रेम, मेबरिंगराज, इंडिगा, कायुनी, ये सब वर्जिन कोकोनट ऑयल में डाल के बना हुआ है। ये ऑयल हम डेली लगाने का जरूरत नहीं, हफ्ते में 2 बार थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छा से रूट में मसाज करके लगाना, जैसे बालों को ऊपर मत लगाना, ओनली फॉर रूट मसाज 5 मिनट्स करना, इसके बाद छोड़ के 2 घंटे के बाद हेयर धो सकता है। अगर नहीं तो नाइट में लगा दो मॉर्निंग वॉश। वॉश करने के टाइम हम शैम्पू यूज़ करते हैं, हर्बल वाला शैम्पू लगाना, ज़्यादा केमिकल वाला शैम्पू वैसे यूज़ नहीं करना। ऐसे 3 महीने के लिए एक ट्रीटमेंट होगा, 3 महीना हम लगा दिए तो इसका बेनिफिट हमें 10-15 साल के लिए मिल जाएगा। 3 महीने के बाद छोड़ के कोकोनट ऑयल लगा दीजिए, हेयर के लिए अच्छा होता है। ऑलरेडी सफ़ेद हो गया जैसे डाई लगा रहे, डाई का बदल लगाने के लिए ऑयल होता है कैशा ऑयल, वो ऑयल हम एज से पहले जो भी सफ़ेद हो रहे वो जैसे हेयर को काला करने के लिए बहुत अच्छा है, रूट में से काला करके डाई का बदल काला करने के लिए ऑयल अच्छा होता है। प्लांट का नाम नीले अमरी प्लांट। ऐसे नीचे रूट में आता है, ऊपर नहीं आता है, पहले इसमें सफ़ेद कलर का जैसे फ्लावर आता है, इसके बाद ऐसे फल होता है, और 1 साल में 8 बार जैसे सीजन रहता है। फल को पकने के लिए 45 डेज पक जाएगा तभी अंदर का दाना जैसे काला होता है, कच्चा में सफ़ेद सीड, इसमें जो पक गया वो तोड़ के 2 डेज इलेक्ट्रिकल ड्रायर में रख के ड्राई करेगा तभी वैसे ड्राई इलायची।
फिर ये 6 किलो कच्चा इलायची तोड़ के ड्राई करेगा तभी 1 किलो जैसे इलायची मिल जाएगा। इसलिए इलायची का रेट ज्यादा होता है। फिर इसका साइज देखकर छोटा मोटा करके ग्राइंडिंग करेगा, ग्राइंडिंग के ऊपर इलायची को रेट है। इलायची के लिए एकदम ठंडा एरिया चाहिए, इसलिए केरला में इधर ही ज्यादा ग्रो है, इधर हमेशा ऐसे कूल क्लाइमेट है। और एक प्लांट का लाइफ टाइम 10 ईयर है, इसके बाद ये प्लांट रिप्लांट करेगा। और ये पेपर प्लांट है, ब्लैक पेपर जैसे क्लाइंबर है, सपोर्ट के लिए कोई भी प्लांट चाहिए। फिर इसमें से 3 वेराइटीज का पेपर बनाता है, ग्रीन पेपर है, ब्लैक पेपर है, व्हाइट पेपर है। तीनों 1 प्लांट है लेकिन प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइम है। ये भी 1 ईयर 1 टाइम सीजन होगा, जून से स्टार्ट करके मार्च अप्रैल फिनिश होगा। पहले इसमें ग्रीन आता है, पकने के बाद जैसे लाल कलर जैसे होगा, ये तोड़ के सनलाइट में डाल के ड्राई करेगा तभी स्किन कलर जैसे ब्लैक होगा, ब्लैक खा सकते हैं सर। सेम टेस्ट, हाँ इलायची ये खोल के खा सकते हैं। और ये पक जाता है, पकने वाला तोड़ के वैसे पानी में का अंदर डाल के रखेगा 3 डेज है, पूरे स्किन वैसे निकल जाएगा। फिर वाश करके ड्राई करने का टाइम व्हाइट पेपर आई साइट के लिए अच्छा है। और ग्रीन पेपर इलेक्ट्रिकल ड्रायर में सुखा रहे सेम कलर होगा ग्रीन पेपर हो गया। ग्रीन पेपर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए तीनों 1 प्लांट प्रोसेसिंग वैसे डिफरेंट टाइम। बहुत अच्छा लगा। अभी मुन्ना ये वैसे हेलिकोनिया फ्लावर है, डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज है, शो प्लांट्स डेकोरेशन है। अरे डेकोरेशन है जो अरे वाला गद्रुहारी प्लांट है, इसे स्किन डिजीज वगैरह आते हैं, स्किन में कुछ भी एलर्जी, फंगस, सोरियासिस, एक्सिमा जैसे होता है, और ऐसे ड्राई स्किन ज़्यादा रहता है, खुजली ज़्यादा रहता है, वो सब क्लियर करने के लिए ऑयल बनाता है। ये ऑयल हम बॉडी धोने के बाद बॉडी के ऊपर लगाने के लिए यूज़ करना, दिन में 2 बार 2-3 हफ्ता लगा दिए तो फंगस एलर्जी और इचिंग वगैरह सही हो जाएगा। अगर सोरियासिस एक्सिमा हो गया ऑयल कंटिन्यू 3 महीना ऑयल लगाना, सोरियासिस सही करने के लिए अच्छा होगा। लेकिन सोरियासिस एक्सिमा अगर अपना बॉडी में होगा तो ब्लड प्यूरिफिकेशन करना, अगर नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम बार बार आता ही रहता है। उसके लिए सिरप मिल जाएगा, वो भी साथ में पीने का 3 महीना, और सोरियासिस हमेशा रूट से निकालने के लिए अच्छा होगा, फिर वापस नहीं आएगा, परमानेंट क्लियर करने के लिए अच्छा होता है। और ये अश्वगंधा, अश्वगंधा जानते हैं ये फलार है, अश्वगंधा अपने बॉडी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एनर्जी, इम्यूनिटी, बॉडी का थकावट को दूर करना, कैल्शियम इंक्रीजिंग करना, पार्किंसंस प्रॉब्लम क्लियर करना और बोन डेंसिटी बढ़ाना, सबके लिए अच्छा होता है। इसमें च्यवनप्राश और टैबलेट जैसे मिल जाएगा, ये सुबह शाम को दूध के साथ लेने का, 1 महीना ले तो बॉडी का वीकनेस वगैरह क्लियर करेगा, थकावट सब दूर करने के लिए अच्छा होगा, एनर्जी मिल जाएगा। और 3 महीने यूज़ करने से बोन डेंसिटी, कैल्शियम इंक्रीजिंग और ऐसे इम्यूनिटी, जैसे पार्किंसंस प्रॉब्लम क्लियर करना, सबके लिए अच्छा है ये, सबको ये कोई भी एज में भी लेने के लिए अच्छा है, नॉर्मली हेल्थ के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है। और ये इंडिगो प्लांट है, वैसे हेयर काला होता है ना, हेयर काला ऑयल में मेन इंग्रेडिएंट्स आते हैं इंडिगो प्लांट है, इसका पत्ता मेन यूज़ करता है। छोटा छोटा आंवला जैसे फल लगा हुआ है, जैसे पकने के बाद कलर जैसे पर्पल जैसे हो जाएगा, तभी तोड़ के 1 महीना पानी में डाल के रखेगा, फिर इसको ऊपर का स्किन सब निकल जाएगा, अंदर सीड मिलेगा, वो रुद्राक्ष अंदर पड़ा है। रुद्राक्ष मिलने के बाद में पता चलेगा ये कौन सा फेस है, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष सबको सूट करता है, ऐसे बॉडी में टच करके पहन सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मैग्नेटिक पावर सबके लिए रुद्राक्ष अच्छा होता है। हर का अंदर शांति, ऐसे हर शांति के लिए, ऐसे पूजा रूम में रख सकता है, हर शांति मिलने के लिए अच्छा होता है। और ऐसे बॉडी में टच करके पाने से हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट का प्रोटेक्शन है और पॉजिटिव एनर्जी सबके लिए अच्छा है, लेकिन पंचमुखी सबको पहन सकता है। वो ओरिजिनल रुद्राक्ष पत्ते करने के लिए पानी में डाल के देंगे, ओरिजिनल वाला पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि आज का सब डुप्लीकेट वगैरह ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ज़्यादा रेट में आप लोगों को मिलता है, वैसे पत्ता करने के लिए पानी में डाल के देंगे। डुप्लीकेट में बना वाला होगा तो पानी को ऐसे लोड जैसे रहता है, ओरिजिनल रुद्राक्ष पानी नहीं ऐसे देने के लिए। और ऐसे रुद्राक्ष है ना पत्ता करने के लिए एक ही साइड में होल भी होगा, ओरिजिनल रुद्राक्ष में वन साइड, दोनों साइड में होल होती है तभी डुप्लीकेट भी रहता है, नहीं तो अपने हाथ में नाखून के बीच में ऐसे रखे घुमा दे तो वो हमारे बॉडी का पॉजिटिव एनर्जी जैसे खुद रोटेशन रहता है, ऐसे भी पता चलेगा प्योर होती है। और ये अदरक का जार,
मिट्टी के अंदर ऐसे रूट होता है अदरक, अदरक से हम ट्रैवलिंग पेन ज़्यादा उल्टी करता है ना, जैसे नोसिया फीलिंग होता है और गैस ज़्यादा बन जाता है, वो सब क्लियर करने के लिए गुलाबजाम बनाता है। वो थोड़ा सा खाके ट्रैवलिंग करेगा तो बिल्कुल ही उल्टी नहीं करेगा, साथ में गैस बन जाता है, वो भी क्लियर करने के लिए अच्छा है। ये वनीला प्लान है, बेल जैसे वनीला आइसक्रीम केक और बना रहे, उसमें हम वनीला का एसेंस डालता है। इसमें सीजन नहीं, समर सीजन है, सीजन आएगा तभी इसमें ग्रीन कलर जैसे बीन्स आता है, वो बीन्स को तोड़ के ब्लैंकेट के अंदर रखकर 1 महीने प्रोसेसिंग करेगा तभी वो काला जैसे होता है। और ओरिजिनल एसेंस हमें जो बीन्स में से मिल जाएगा, एक बीन्स को कटिंग करने 1 किलो चीनी का डब्बा में डाल के रखना, 24 आवर्स के बाद वो फ्लेवर पूरा चीनी में आ जाएगा, वो चीनी निकाल के हम यूज़ करना, नेचुरल फ्लेवर होती है। लेकिन वनीला के एसेंस वगैरह होता है ना, उसके अंदर केमिकल ज़्यादा ऐड होता है। कस्तूरी हल्दी, जैसे रिको टर्मरी की क्रीम वगैरह बनाने के लिए हल्दी यूज़ करता है, मिट्टी के अंदर रूट होता है, इसके फेस पैक वगैरह बना रहे, फेस में ज़्यादा पिंपल्स रिंगल्स स्पॉटिंग वगैरह होता है, वह सब क्लियर करने के लिए पाउडर होता है। लाल चंदन सुने के रक्त चंदन, रक्त चंदन कस्तूरी हल्दी साफरोन सब मिला के फेस पैक है, थोड़ा सा पाउडर कच्चा दूध में पेस्ट जैसे बना के फेस में पैक लगाना, 15 मिनट के बाद ठंडा पानी में वाश करना, ऐसे 1 महीना लगाना, पिंपल्स रिंगल्स स्पॉटिंग पिगमेंटेशन सब क्लियर करने के लिए अच्छा हो, नेचुरल फेस पैक है, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह जाने का जरूरत नहीं होता है। और ये संजीवनी बूटी, जैसे हनुमान पगाड़ से तभी मृदु संजीवनी लेके आएंगे, हमारा संजीवनी बूटी है, इसे हम जॉइन पेन के लिए ऑयल बना रहे, इसे जॉइन का नी के अंदर गैप होता है, चलने के टाइम कड़कड़ आवाज़ वगैरह आता है, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, स्पेशली आर्थराइटिस पेन और यूरिक एसिड वगैरह ज़्यादा रहता है, यूरिक एसिड और इसका अंदर साथ में पीने के लिए सिरप मिल जाएगा, वो भी यूज़ करना, और ये ऑयल लगाने के लिए भी यूज़ करना। 3 महीने यूज़ करेगा तो घुटने का दर्द, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस ये सब क्लियर करने के लिए अच्छा होगा। और पेन एरिया में थोड़ा सा ऑयल लेके ऐसे मालिश करना, फिर 1/2 आवर छोड़ना, 1/2 घंटे के बाद गर्म पानी में सेक देना, 2 बार यूज़ करना, ऐसे 1 महीने लगा तो जॉइंट पेन सब सही करने के लिए अच्छा होगा। अगर घुटने में गैप हो गया, चलने के टाइम कड़कड़ आवाज़ वगैरह आता है और ऐसे नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, वो लोग 3 महीना ऑयल यूज़ करने का, परमानेंट क्लियर करने के लिए अच्छा होता है। ये कॉफ़ी का जार, कॉफ़ी पीता है क्या? कॉफ़ी है ये, वैसे अरबिक कॉफ़ी है, 1 कॉफ़ी अरबी होता है, ये फल वैसे लाल कलर चेरी टाइप होता है, तभी तोड़ के सनलाइट में डाल के ड्राई करेगा, स्किन वैसे ब्लैक होगा, फिर मशीन का अंदर डाल के स्किन सेपरेट करेगा, व्हाइट कलर सीड मिलेगा, वो सीड को रोस्ट करके पाउडर बना रहे, वही कॉफ़ी पाउडर रोस्ट करेगा तभी डार्क ब्राउन कलर स्मेल, अदरवाइज कुछ भी स्मेल। और एक ब्लैक कार्डम मसाला इलाज, वैसे फ्रूट है, फ्रूट पकने के बाद लाल जैसे हो जाएगा, अभी ये तोड़ के सनलाइट में डाल के ड्राई करेगा, काला कलर जैसे होता है, ब्लैक कार्डम। और हींग का जड़, हींग आप लोग दोनों किंग्स है क्या? नहीं नहीं सिस्टर है। हाँ सिस्टर है, नहीं शागिल है, ऐसे ऐसे आपका मम्मी? हाँ। पापा? नहीं, हाँ मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा। अच्छा, दीदी का नहीं है? दीदी है ना? हाँ ना, वो मेरा बहन है। अच्छा बहन है, मुझसे 3 साल का छोटा है। अच्छा छोटा है, लेकिन वो बड़ी लगती है। वो शादी नहीं की। नहीं किया। और बेटा क्या कर रहे हैं? तो 12 पढ़ा है। आप क्या कर रहे हैं? तो हाउस वाइफ ही हूँ और इसको। एक ही बेटा? और ये वाला हींग का जाड, 800 फीट, इसमें जब रबर ट्री होती है ना, सेम ऐसे प्रोसेसिंग होता है, ये रूट को वैसे कट करेगा, उसके अंदर से गम आता है, वो गम कलेक्ट करके हींग बना रहे, नेचुरल हींग वैसे क्यूब होता है, लेकिन हमें पाउडर को मिलता है ना, पाउडर के अंदर आटा मैदा सब मिक्स करके देते हैं, नेचुरली क्यूब है, हींग वैसे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक कोको प्लांट, चॉकलेट आइसक्रीम बूस्ट केक सब बनाने के लिए कोको पाउडर यूज़ करें, इसमें पपाया जैसे फल है, ये फल पकने के बाद पीला कलर जैसे हो जाएगा तभी ये तोड़ के ओपन करेगा, कवर वैसे वेस्ट होता है, अंदर सीड है, वो सीड को रोस्ट करके पाउडर बना रहे, रोस्ट करने के टाइम डार्क ब्राउन कलर स्मेल है, अदरवाइज इसमें कुछ भी स्मेल नहीं है, और प्रोसेसिंग करेगा तभी ऑटोमेटिकली स्मेल वगैरह आता है। और कोको पाउडर बॉडी का ताकत बढ़ाने के लिए अच्छा है, सारा च्यवनप्राश के अंदर ये डालता है, और इसका अंदर जेली रहता है, वो जेली से मॉइस्चराइजिंग क्रीम सा बनाता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और कोको बटर,
और शाम्बू प्लांट है, हर्बल शाम्बू में फ्लावर हम यूज करते हैं। हर्बल शैम्पू फूल अरे इंसुलिन प्लांट कोस्टेस्पा प्लांट बोलता है, वैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है। ये जो प्लांट का पत्ता और रूट ड्राई करके पाउडर बना रहे, इसके साथ 14 हर्बल्स वगैरह मिला के डायबिटिक के लिए मेडिसिन बनाते हैं। ये आधा ग्लास गर्म पानी में एक चम्मच पाउडर डाल के सुबह शाम को यूज करने का काली पेड़। 15 दिन के लिए हम जो भी दवाई ले रहे वो भी साथ में लेना, एकदम बंद नहीं करना, क्योंकि पहली बार हम ले रहे अपने बॉडी में इफेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आयुर्वेद मेडिसिन स्लो रिजल्ट आता है, 15 दिन के बाद शुगर लेवल चेक करना कंट्रोल में आ जाएगा, फिर इंग्लिश दवाई को स्टॉपिंग करना। और मेडिसिन पेशेंट है खाली 3 महीना लेना, अगर साथ में इंजेक्शन लगा रहे वो लोग 6 महीने यूज करना। ये कोर्स वैसे कंप्लीट होने के बाद ये लेने का जरूरत नहीं, ओनली डाइट में कंट्रोल रखते हैं, और क्योंकि हमारे पैंक्रियास को डेवलप करके बीटा सेल प्रोड्यूस करता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम एलोपैथी वगैरह लेने से लिवर किडनी वगैरह डैमेज हो जाएगा, इसमें नो साइड इफेक्ट है। प्लांट का नाम इंसुलिन प्लांट और कोस्टेस्पा प्लांट बोलता है, डायबिटिक के लिए अच्छा है। और ये सफ़ेद मुसली बोलता है, सफ़ेद मुसली अश्वगंधा बाजीगरन और अवकोड़ा ये सब डाल के जेंट्स लेडीज़ के लिए स्पेशल हार्मोनल इम्बैलेंस को क्लियर करना, सेक्सुअल पावर बढ़ाना, स्टैमिना एनर्जी वगैरह के लिए चवनप्राशन टैबलेट्स जैसा बनाता है। ये 1 महीना हम ले लेगा तो लाइफ टाइम रिजल्ट है, लाइफ में एक ही बार लेना, बार बार लेने का जरूरत नहीं होता है। और ये अगस्त की तुलसी बोलता है, वैसे अजवाइन का जैसे सेम टेस्ट रहता है इसमें, अगस्त्य तुलसी। इसके जो पत्ता से हम कफ कोल्ड ब्रीथिंग प्रॉब्लम आस्थमा बासक पत्ता सुने ना, अडूलसा तिप्पली न्यावरा तुलसी ब्लैक पेपर सब मिला के हम अगस्त्य रसायन मेडिसिन बनाते हैं। कफ कोल्ड ब्रीथिंग प्रॉब्लम आस्थमा के लिए अच्छा है ये, थोड़ा सा खा के थोड़ा गर्म पानी ले लो 3 दिन के अंदर और कफ एंड कोल्ड सही हो जाएगा। अगर ब्रोंकाइटिस वगैरह हो रहे वो लोग 1.5 महीने यूज करना, आस्थमा हो गया 3 महीने लेना, आस्थमा को क्लियर करने के लिए अच्छा है, क्योंकि अपने लंग्स एकदम क्लीन होता है, अंदर जो भी बलगन जमा रहता तो वो सब बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लांट का नाम है अगस्त्य तुलसी। ये नॉर्मल हल्दी हम खाना में डालते हैं ना, वही वाला हल्दी प्लांट है, मिट्टी के अंदर रूट होती है हल्दी, और इससे हम हरिद्रकांडम पाउडर बना रहे हैं। वैसे क्लाइमेट वगैरह चेंज आता ही रहता है, उसके हिसाब से एलर्जी ज़्यादा रहता है, सुबह उड़ के चीखना ज़्यादा मारता है, और वैसे डस्ट एलर्जी जो भी एलर्जी बॉडी में होगा तो एलर्जी को दूर करने के लिए पाउडर बना, तो पाउडर दूध में डाल के सुबह शाम यूज़ करना, अगर नहीं तो 1 चम्मच हनी लेके उसमें पेस्ट जैसे बना के लेना, नहीं तो पानी के साथ लेना, 1 महीना ले ले तो कुछ भी एलर्जी बॉडी में वो सब क्लियर करता है। और इसके साथ जैसे हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ने के बाद ज़्यादा बीमार नहीं हो जाएगा, इम्यूनिटी बूस्टर जैसे भी ले सकता है, छोटा बच्चा लेके सबको भी ले सकता है। और एक टाइप ऑफ एलोवेरा आता है, हयालू एलोवेरा बोलता है, इसका अंदर से एसेंस वगैरह निकाल के, हयालू एसिड सुना है क्या, हाइलोनिक एसिड और ब्लैक सीड एक्सट्रैक्ट है, सब डाल के फेस के लिए लगाने के लिए, फेस का डार्क सर्कल पिगमेंटेशन है सब क्लियर करके कलर एंड ग्लो बढ़ाने के लिए एलोवेरा का जेल है, वो जेल थोड़ा सा नाइट में लगा दो, मॉर्निंग में वॉश करना, 1 महीना लगा दे तो एंटी एजिंग के लिए भी अच्छा होता है, ऐसे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल पिगमेंटेशन सब क्लियर करके, जैसे पिंपल्स वगैरह आने के बाद वो होल्स होता है ना, वो होल्स पूरा कवरिंग करने के लिए भी अच्छा है। और ये सहजरादी प्लांट है, वैसे वेरी कोस वेन प्रॉब्लम मालूम है ना, पाव में ऐसे नस के ऊपर नस चढ़ जाता है, ब्लू कलर का वेन आ जाता है, जैसे क्राम्स ज्यादा रहता है, सूजन ज्यादा होता है, दर्द वगैरह आता है, इन के लिए हम ऑयल बनाता है। ये ऑयल वेन में लगा के नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करना, कभी ऊपर से नीचे को मालिश नहीं करना, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है, दिन में 2 बार लगाना, 3 महीने हम लगा दिए तो बिना सर्जरी से वेन कोस वेन प्रॉब्लम क्लियर होगा, और ये में छोटा छोटा क्राम्स है, सूजन है, दर्द है, जो भी रहता है क्लियर करने के लिए अच्छा होता है। प्लांट का नाम है सहज रागी। और ये सित्ता प्लांट है, वैसे आयुर्वेद मेडिसिन का किंग होती है सित्ता, इससे स्पाइनल कोड प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिक पेन और कुछ भी प्रॉब्लम रहता है उन लोगों के लिए ऑयल बनाता है। ये ऑयल थोड़ा सा गर्म करके पेन एरिया में लगा के मसाज करना, लेकिन स्पाइनल कोड एरिया में होता है ज़्यादा जोर से मसाज नहीं करना, जस्ट ऑयल अप्लाई करना, अप्लाई करेगा तभी ये ऑयल बॉडी हमारा बॉडी अब्सॉर्ब करके ले लेगा। इसके बाद 1 आवर के बाद थोड़ा गर्म पानी में स्नान करना, दिन में 1 बार ऐसे लगा दो,
तीन महीने यूज करेगा तो स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिक पेन सब क्लियर करने के लिए अच्छा है। शोल्डर सारे पेन के लिए भी वैसे अच्छा होता है। और ये दालचीनी का जाड़ा सिनेमन जो पत्ता है बेलीफ बिरयानी फ्राइड राइस पुलाव घर में डालते हैं बेलीफ तेज पत्ता एंड दालचीनी दोनों वन ड्रीम में से मिलता है। ये जो ट्री का बाहर का कटिंग करके ड्रिप निकालेगा तभी दालचीनी हो गया और ये पत्ता बेलीफ से। सिनेमन ऐसे दो वैरायटी का मिलता है, एक स्किन जैसे भी मिलेगा, एक रोल शेप मिलता है। रोल वाला वैसे मशीन कटिंग होता है, स्किन जैसे होता है वो बाहर की लेयर रहता है लेकिन अंदर का लेयर में तिक्का ज़्यादा रहता है। इसे दोनों वैरायटी का दालचीनी मिल जाता है। ये पूरा प्लांट नहीं कटेगा, ओनली स्किन कटिंग है। इसी साल में पूरा स्किन सही से चाल कटिंग कर दिया तो सेकेंड ईयर इसमें वापस आ जाता है। गोल मिर्ची टेस्ट करना है क्या? खा के देखना है। गोल मिर्च ये अर्जुन चाल का जाड़ ऐसे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा, हार्ट प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा। इसका स्किन मेनली यूज करते हैं, अर्जुन चाल बोलते हैं। ये बासक पत्ता डूसी प्लांट वाला डिसोडियस प्लांट है। वैसे पाइल्स कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है, कब्जे का प्रॉब्लम, ऐसे ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, साथ में फिशर फिस्टुला जो भी रहता है उन लोगों के लिए इरंडी का पत्ता, जंगली सुरेना सब डाल के च्यवनप्राश जैसे बनाता है। डेली रात में एक चम्मच लेना है, एक महीना ले लो तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन वगैरह सही हो जाएगा। अगर पाइल्स फिशर फिस्टुला रहता है वो लोग तीन महीने यूज करना, वो बीमारी रूट से निकालने के लिए अच्छा होगा, फिर दोबारा नहीं आएगा, सर्जरी करने का जरूरत भी नहीं होता है। प्लांट का नाम है डिसोडियास बोलते हैं। ये लाल आमला रेड आमला जैसे पकने के बाद लाल कलर जैसे फ्रूट होता है, इसमें विटामिन सी वगैरह बहुत ज्यादा होता है। वैसे सारे चावल प्रश और हेयर ऑयल सभी में भी आमला डालता है। वैसे लाल आमला और ये वाला सर्पगंधा प्लांट, सर्पगंधा सर्पेंडीना सुना है क्या? राहुल फिया सर्पेंडीना बोलते हैं। इसका पत्ता देखो स्नेक जैसे होता है, ये बीपी के लिए मेडिसिन बनाता है। बीपी हमारा बॉडी में तो हम टैबलेट स्टार्टिंग करते हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। एक बीमारी सही हो जाएगा लेकिन दूसरा बीमारी साथ में आ जाएगा। बिना दवाई से हमेशा क्लियर करने के लिए सिरप जैसे मेडिसिन बनाता है, एक महीना ले तो बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। अगर पुराने साल से टैबलेट्स वगैरह ले रहे वो लोग तीन महीने यूज करना, बीपी कंट्रोल रखने के लिए अच्छा होता है, कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद में सभी में एक एक कोर्स होती है, वो कोर्स हम कंप्लीट ले लेगा तो हमें लाइफ टाइम रिजल्ट मिल जाएगा। बार बार लेने का जरूरत नहीं, और मेडिसिन प्योर मिलना चाहिए तभी रिजल्ट अच्छा मिलता है। कर्पूर का तुलसी वैसे कैम्फर का जैसे सेम स्मेल रहता है, इसका अंदर से एसेंस वगैरह निकाल के साइनस माइग्रेन हेडेक नोज ब्लॉकेज डस्ट एलर्जी छींकना ज़्यादा मारता है, वैसे स्नोरिंग साउंड करे, नींद का प्रॉब्लम, इंसोमिनिया कंप्लेंट होता है, वो सब क्लियर करने के लिए ऑयल बनाता है कर्पूर आदि ऑयल है। ये डेली रात को 5 ड्रॉप्स मिडिल हेड में लगाना, अगर साइनस एंड माइग्रेन प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा हाथ में लगा के कान का पीछे लगाना, नोज का साइड अप्लाई करना, फोरहेड में लगाना, स्मेल भी करना, ऐसे तीन महीने लगाना। सीवियर साइनस माइग्रेन हेडेक नोज ब्लॉकेज डस्ट एलर्जी स्नोरिंग नींद का प्रॉब्लम ये सब क्लियर करने के लिए अच्छा होता है। और
कफ कोल्ड दवाई में तिपली वगैरह डालता हूँ, लंग्स के लिए बहुत अच्छा, अंदर जो भी बल्ग जमा रहता तो वो बाहर निकालने के लिए अच्छा होता है, लॉन्ग पेपर बोलता है। और गार्डन भी सिर्फ फिनिश हो गया, फिर आपको कुछ भी परचेज।